तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस किस तरह से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे, तो मुझे एक क्वेश्चन ये जो निकल के आया है कि किस किस तरह से लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, वो लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन किया कि हम फनल से ही क्यों मार्केटिंग कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहना, अगर आपको जानना है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हो और उसमें बहुत हजारों डॉलर मंथली अर्निंग एंड पर डे अर्निंग भी आप कर सकते हो, यह आप पे डिपेंड करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज टी एन, यू आर वॉचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजल, दिस इज योर चैनल। और अगर आप कहीं से आ गए हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी जा सके, और आप डेली आके एक अच्छी वीडियो देख सकें ऑनलाइन में पैसा अर्निंग करने की। तो प्लीज लाइक करना इस वीडियो को, मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेके आते रहूँ। तो सबसे पहला जो तरीका है, जो एक पारंपरिक तरीका आप जिसको बोल सकते हो, वो चीज है ब्लॉगिंग। कैसे ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग में भी आप एफिलिएट कर सकते हो, लेकिन मैं बता दूं, आज के समय में अगर आप ब्लॉगिंग में एफिलिएट करने जाते हो, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, साल का, 2 साल का, 3 साल का, या 6 महीने का। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे ब्लॉग में लिखते हो, क्या आपकी टैक्टिक्स हैं, कैसे आप अपने ब्लॉग को रैंक कराते हो, क्या आपका निश है। व्हाट इज निश, आपके लोगों के दिमाग में आ गया होगा। निश मतलब क्या आप हेल्थ के ऊपर लिखते हो, क्या आप मॉडर्न फिटनेस के ऊपर लिखते हो, क्या आप फोटोग्राफी के ऊपर लिखते हो, क्या आप ट्रैवल के ऊपर लिखते हो, क्या आप हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर लिखते हो, मतलब ऐसे बहुत सारे निश, क्या आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लिखते हो। तो ऐसे बहुत सारे निश है, होते हैं अलग अलग निश, होते हैं अलग अलग टाइप, सब्जेक्ट बोल सकते हो आप इसको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इनमें से किस चीज़ के आप ऊपर लिखते हो और उसका ब्लॉग करते हो, ब्लॉग करने के बाद उसको रैंक करते हो। ब्लॉग करने से पहले एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट। अगर आपका लिखने में इंटरेस्ट है, सो यू कैन डू ब्लॉग, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होता। शायद साल, शायद 10 साल, चाहे 6 महीने या 3-4 साल लगते हैं, नॉर्मल 3 साल लोगों को लगता है ब्लॉग करने में। ठीक है, जब आप जाओगे सर्च करोगे क्वेरा पे या गूगल में, तो आपको पता चलेगा कि इतने साल लगते ही हैं ब्लॉग को सेटल होने में। तो सबसे पहला तरीका ये है, और ब्लॉग में वही चीज़ें जिसका आप रिव्यू कर सकते हो, उसको आप सेल कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है वो है फनल्स। फनल के जरिए आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, और मेरे हिसाब से यही एक तरीका है फनल, जिससे आप एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। फनल में क्या होता है, आप एड्स चलाते हो या अपने दिमाग का यूज करके सोशल मीडिया पे स्ट्रेटजीज बनाते हो और लीड जनरेट करते हो। लीड जनरेट करने का मतलब, एक आदमी का आप पता और एड्रेस ले लेते हो, जैसे मैं हूँ, मेरे घर का आप पता ले लिए, तो आपकी शादी होगी तो आप मेरे घर कार्ड भेजोगे, राइट। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, लोगों से उनका एड्रेस, ईमेल ले लेते हैं, और हमारे पास जब कोई नया प्रोडक्ट आता है, तो हम उसे ईमेल के जरिए भेजते हैं, लोगों को पसंद आता है, लोग खरीद लेते हैं। दिस इज कॉल्ड फनल। तो फनल क्या होता है, फनल में सबसे पहले लोग अपना ईमेल डालते हैं, फिर आप उनको चैटबॉट्स के जरिए, ईमेल के जरिए, अपने सोशल मीडिया रीटारगेटिंग एड्स के जरिए बार बार एक ही चीज़ दिखाते हो, तो लोगों को पसंद आ जाती है, फिर वो जाकर उसको खरीद लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप इसमें ईमेल ऑटोमेशन का यूज़ करते हो, फनल का यूज़ करते हो, चैटबॉट्स का यूज़ करते हो, और ये सारी चीज़ें मिलकर लोगों को मैन्युपुलेट कर देती हैं उनके माइंड्स को, और लोग एट द एंड आके अपने आपके प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। और ये बार बार आप हर प्रोडक्ट, जो नया प्रोडक्ट लाओगे आप, उसके साथ ऐसा कर सकते हो, क्योंकि ये जो चीज है कि लोगों के घर का एड्रेस आपको मिल चुका है, वो घर बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या, एक बार ईमेल बना लेते हैं तो वही ईमेल बार बार यूज करते हैं। ठीक है, तो आप बार बार उनको रीटारगेट करके अपने सारे सामान बेच सकते हो। ये 2 तरीके हैं जो सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा चलते हैं। ठीक है, अब एक तीसरा नया मॉडर्न तरीका आया है। ठीक है, मॉडर्न तरीका है, लेकिन इसमें बहुत पैसा लगता है और जहां तक सक्सेसफुल भी है, लेकिन इसमें भी ये जो 2 चीज़ें हैं ना, इनके टैक्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये एक मॉडर्न तरीका है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। अभी आई है ये, ठीक है, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। जब से इंस्टाग्राम बूम पे गया है, लोग इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर बहुत सुन रहे हैं। इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर क्या होता है, तो अगर किसी को नहीं पता है तो वो भी बता दो। इन्फ्लुएंस मतलब आप एक बहुत जाने माने व्यक्ति हो ऑन इंटरनेट, और आप बोलते हो कि मुझे ये जो पेन है बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दोस्तों इस पेन को थोड़ा
मतलब यूज़ करके देखो, लोग जाते हैं उस पर क्लिक करते हैं और उसको जाके बाय कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। तो आजकल क्या हो रहा है, लोग जाते हैं कोई अच्छा ऑफर लेता है, उसको पसंद कर लेते हैं, लाइक हम लोग कर रहे हैं बिल्डर, तो मैं अगर बिल्डर लेता हूँ तो मैं किसी डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज को ढूंढता हूँ और बोलता हूँ भाई तू इसको प्रमोट कर दे, और वो जब प्रमोट करता है तो वो लोगों के पास जाती है, लोग आते हैं और उसमें रजिस्टर करते हैं और पैसे पे करते हैं और ऐसे करके सामान बिक जाता है, और मैं उसको कुछ पैसे दे देता हूँ उसके प्रमोशन के, और ऐसे करके काम हो जाता है। तो ये जो तीसरी चीज़ है अभी आई है, लेकिन ये एक प्रोडक्ट वॉइस यूज़ होती है, ठीक है। आप जैसे कि हम लोग बिल्डर यूज़ कर रहे हैं, हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो बैठानी पड़ती हैं सही ढंग से, सही तरीके से, तब जाके काम करती है। मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा वो सजेस्ट करूंगा फनल, बहुत अच्छा, बहुत लॉन्ग प्रोसेस की। अगर आपके पास 1,000 लोगों के भी डाटा रहते हैं और वो आपके पेड मेंबर हैं, तो आप जिंदगी भर उन 1,000 लोगों को सेल कर सकते हो और मिलियंस ऑफ रुपीस बना सकते हो, और ये बिल्कुल मुमकिन है। तो दोस्तों यही कुछ तरीके हैं जिनसे आप काफी ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हो इन एफिलिएट मार्केटिंग। और अगर आपको मेरा साथ चाहिए, मेरी मेंटरशिप, मेरा मोटिवेशन, मेरी सारी चीजें चाहिए, मेरी टैक्टिक्स, मेरा बिना पेड एड यूज किए चीजों को सेल करना का हुनर आपको समझना है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो बिल्डरल में। बिल्डरल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको 27 तरह के टूल देता है जिनसे आप एफिलिएट मार्केटिंग यूं इजी कर सकते हो, और बिल्डरल को भी एज अ एफिलिएट प्रोडक्ट चूज करके उसकी एफिलिएट मार्केटिंग करके 100% कमीशन गेन कर सकते हो, और ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो आपको 100% कमीशन दे। बिल्डर की ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, सारी पेमेंट्स वेमेंट सब मिल जाएंगे, जिससे आप पर डे 7,000 रुपये इन इंडियन करेंसी और इन USD बना सकते हो, $100 डेली के। इट्स वेरी इजी, जाओ क्लिक करो और देखो, और मेरी मेंटरशिप फ्री में मिलेगी आपको, मेरे फनल के टैक्टिक्स जो मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ उस के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ। तो आप जाके क्लिक करो और पूरी जानकारी लो और मुझसे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आके मिलो। तो दोस्तों यही कुछ चीज़ें हैं, जो तीन चीज़ें हैं, लेकिन मैं बता दूँ, तीन चीज़ों से स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एक्शन। अगर एक्शन नहीं लोगे तो घंटा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सो मैं आपको बता दूं, जाओ एक्शन लो, दिस इज योर टाइम, दिस इज योर एरा, और एफिलिएट मार्केटिंग अभी यूं चल रही है, अभी सिर्फ 600 करोड़ की इंडस्ट्री है, जो 6,000 करोड़ की इंडस्ट्री प्रिडिक्ट की गई है बड़े बड़े रिसर्च जो लोग करते हैं, जो गूगल गूगल में बैठे हैं, रिसर्च सेंटर्स में बैठे हैं, उनका ये कहना है, ये मेरा डाटा नहीं है, आप जाके खुद सर्च कर सकते हो ऑन गूगल बाबा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और ये तीन जो तरीके हैं लोगों के साथ शेयर जरूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। जय हिंद।